सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो रिगार्डिंग HCF एंड LCM के हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर के रिगार्डिंग है। सो फर्स्ट वी हम लोग कोशिश ये करेंगे हम लोग बेसिक आपको पढ़ाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी मेंशन जो टॉपिक्स किए हैं जो कि परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, रेशनल रिलेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशंस क्या हैं, ठीक है, रियल सिस्टम क्या है, तो ये हम लोग पहले कुछ ऐसे बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी मूव ऑन करेंगे थोड़े से एडवांस टॉपिक रिगार्डिंग, ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स के रिगार्डिंग, बट मेक श्योर ये करें कि आप प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस करें। जो भी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस लाजमी से कीजिएगा। ऐसा नहीं है जो प्रीवियस हमने किया उसको आप छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल छोड़ दें, तो उसको भी आपको साथ में प्रैक्टिस करते रहना, साथ में लेके चलना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमारे पास है HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर, एवरीबडी नोज, हम लोग बचपन से ये पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाइस्ट, इट इज ऑफ टू आर मोर नेचुरल नंबर, इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइजर ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर। HCF इज ऑल्सो कॉल द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCD भी हम लोग इसको कहते हैं, सिमिलर दे आर, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी हमारे पास ग्रेट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, वो हम लोग इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम लोग इसमें निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो इसके जो हैं जो मेथड हैं वो दो है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। तो जो स्टूडेंट अगर बीच में मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं सो लेट मी नो, ठीक है, आप मुझे वॉइस कीजिएगा क्योंकि टेक्स्ट यहाँ से भी नहीं शो हो रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, तो मैं उनको ज्वाइन कर लूँ। अच्छा जी, तो दो मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। फर्स्ट हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। अब इसमें क्या होता है, राइट प्राइम फैक्टर फॉर ऑल द गिवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारे पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड कॉमन फैक्टर, पहले हम लोग क्या करेंगे उसके फैक्टर निकालेंगे उसके नंबर के, फैक्टर एवरीबडी कैसे हम निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, फाइंड है, फिर कॉमन फैक्टर हम लोग उसमें निकालेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर। आफ्टर दैट राइट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, जो हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या यहाँ पे मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ओके। आफ्टर दैट द प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई नहीं करेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फॉर वो HCF, वो हमारी HCF होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, लेट मी चेक। अच्छा सही है। उसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आपको सही समझ में आ गए कि ये जो प्रोसीजर आपने बताया उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारे पास 1450 प्राइम फैक्टर नंबर है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो पहले हम इसको फैक्टर करते हैं, ठीक है, फैक्टर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर 40 हमारे पास नंबर आ गया, उसको सबसे कम नंबर कौन सा डिवीजर होता है, वो होता है दो, तो दो उसको लगता है 20 दफ़ा, ठीक है, उसको फिर हम 20 को दो लग रहा है 10 बार, फिर 20 लग रहा है, ठीक है, तो उसको 5 बार, ठीक है, तो उस पर अब फिर हमने 5 कलर लगाया एक बार। तो इस तरह से हम लोग जितना सिंपल हो सके, जितना कम नंबर होगा वो हमसे डिवाइड करके इस तरह से हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो ये 2 और ये 5, ये जो 4 नंबर, ये इसके क्या निकले हमारे पास, ये फैक्टर निकले इसके, ठीक है, यहाँ हम लिखे प्राइम फैक्टर ऑफ 40। आफ्टर हम 50 के फैक्टर निकालेंगे, उसको 2 का टेबल लगा 25 बार, ठीक है, 25 को अब 2 का नहीं लग रहा, ना 3 का, ना 4 का, 5 लग रहा है, तो हमने 5 का लगाया इसको 5 बार, और 5 का फिर से इसको एक बार लगा, तो ये हो गया इनका ये, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, एक कंबाइन करेंगे, जो भी नंबर अगर यहाँ पे 3 या 4 नंबर, यहाँ पे हमारे पास 2 है, अगर 3-4 नंबर है तो उनमें 3-4 में कॉमन नंबर कौन से है, ठीक है, वो हम लोग उसको जोड़ा बनाएंगे, उसको नीचे लिखेंगे। लाइक यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, अगर यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 है, तो उसको हम लोग जोड़ा बना लेते, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको हम लोग इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे भी 5 है, तो उसको हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से 2 and 5 लिख लिया। उसको हमने क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, इनको हम मतलब पेयर में लिखेंगे, जो जोड़ा को करके एक ही नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा तो एक बार हम लिखेंगे, एक बार हमने 2 लिखा, अगर 5 हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे एक बार हम 5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो इनका जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 10 है, ठीक है,
अब ये मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकाले उस तरह से ये हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। अब देखो 40 और 50 का 2 का भी टेबल लग रहा है, ठीक है, और मतलब कि 5 का भी लग रहा है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को लग सके, ठीक है। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा है, फिर वो लग रहा है 10 लग रहा है, उसके बाद कोई नहीं लगता, ठीक है। 10 के बाद 40 का खुद का लगता है, 50 खुद और नहीं लगता। तो हाईएस्ट जो इसका कॉमन फैक्टर वो है, वो आ रहा है 10, जो कि दोनों को लग रहा है और वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। आफ्टर दैट ये खुद का 40 को 40 का बार लगेगा 1 बार, और 50 का 1 बार एक वो लगेगा। समझ में आ रही बात, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लाइक कर दो अगर समझ में आ रही है। चैलेंज सही है, गुड टू नो। अच्छा, आफ्टर दैट हम मूव ऑन होते हैं, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम मूव ऑन होते हैं कि फाइंड एच ऑफ 18, 30 एंड 30। ये यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, हम तीनों का यहाँ पे इन्होंने फैक्टर निकाल लिया 18 को, ठीक है। पहले हम 2 का सबसे कम नंबर कौन सा, वो हमें पहले देखना है। 2 लगा इसको 9 बार, अब 9 को 2 नहीं लगता, 3 लगता है, तो 3 इसको यहाँ पे 3 बार लगा, और 3 का डबल उसको 3 को 1 दफ़ा लगा, ठीक है। तो इनका आ गया 2, 3, 3, इसका यहाँ पे लिख लिया हमने। फिर 30 का या 30 का इस तरह से हमने किया, 2 यहाँ पे 15 बार लगा, 15 को 2 नहीं लगता, 3 लगता है, वो 3 कितनी बार लगता है, 15 को 5 बार, तो 5 का कितने, 5 को लगता है 1 बार, तो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब फिर दिया 36, 36 का 2 का लगता है 18 बार, 18 को 2 9 बार लगता है, और उसके बाद 9 को 2 नहीं लगता, 3 लगता है। तो इस तरह से 2, 3, 4 हम उस तरह से आते रहेंगे सीरीज में, है ना। उसके बाद हम 3 पे आए, 9, 9 लगा 3 बार, और 9 को 3 बार लगा, और 3 होगा 3 को 1 बार लगा। तो इस तरह से हमने ये सब क्या निकाले, इसके ये फैक्टर निकाले, यहाँ पे हमने फैक्टर सब लिख लिए। अब हमें देखना है इसमें कॉमन कौन से आ रहे हैं, तीनों में कॉमन देखना है, ऐसा नहीं यहाँ पे 2 आ रहा कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, तो तीनों कॉमन आ गए, ठीक है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे तीनों में। तो इस तरह से हम लोग कॉमन हमने वो निकाल लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसको, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 क्या आ गया, हम 6 आ गया, तो इसका 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसा नंबर है जो देखो इनको 2 अगर देखें, 2 भी इनको लग रहा है इन तीनों को, ठीक है, और 3 भी लग रहा है तीनों को, ये सबसे लीस्ट कॉमन हो गया, वो 2 अगर लग रहा है तो ये लीस्ट कॉमन हो गया फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट क्या हो गया, और उसके बाद 6 भी लग रहा है, उसके बाद कोई नहीं लग रहा, ठीक है, हाईएस्ट में। अगर इन दोनों को लग रहा है तो इसको नहीं लग रहा है, अगर इसको लग रहा है, इन दोनों को लग रहा है तो 18 को नहीं लग रहा है, इस तरह से इशू हो जाता है। तो सबसे जो हाईएस्ट इसको जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो वो आ रहा है 6, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें भी अगर हम 18 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, लेकिन 2, 3, 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 6 आ गया, यहाँ पे 2, 3, 6 आ गया, यहाँ पे देख सकते हो 2, 3, 6 आ गया, ठीक है, बाकी कहीं से भी आगे नहीं आ रहा है, ठीक, कम तो आ रहे हैं 2 एंड 3 लग रहे हैं, 2, 3, लेकिन हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन हमारा 6 है, तो आंसर आ गया हमारा 6। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आफ्टर देन वी मूव ऑन टू बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग करते हैं डिवाइड, ठीक है, जो भी बड़ा नंबर होता है उससे हम लीस्ट जो कम नंबर होगा वो हम लोग उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यस आई नो ये बहुत ही बेसिक है, बट यू आर द प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट दे आर सो मेनी हेयर प्री मेडिकल स्टूडेंट, सो दे डोंट नो, इफ दे नो बट राइट नाउ दे फॉरगेट इट, सो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग देम एंड जस्ट रिफ्रेशिंग देम, ओके। गार्डर वर्तना इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है। डिवीजन मेथड अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका हम क्या कैसे निकालेंगे, 50 एंड 90 हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट हम वो लेट करेंगे जो 90 मतलब बड़ा नंबर है, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे 50 से, जो भी बड़ा नंबर होगा उससे हम छोटा नंबर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो इसको डिवीजन मेथड को समझना लाजमी है, ठीक है, वो उस तरह से डिवीजन नहीं किए, यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिवीजन का सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 हमने लिख लिया, ठीक है, 90 को 50 एक बार लगा, यहाँ पे 50 आ गया, और यहाँ पे हमने माइनस कर दी, तो
तो 90 में 50 गया, 40 आ गया। फिर से हम उसको यहाँ पे साइड में डिवाइड करेंगे, और ये जो यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्मॉल स्मॉलर नंबर हमने जो भी दिया होगा, ठीक है, हमारा जो ये रिमाइंडर है मतलब वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 हमारे पास, सॉरी रिमाइंडर नहीं, यहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे जो पहले हम डिवाइड करते वो सेम नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो हमने 50 लिख लिया, तब जो यहाँ पे रिमाइंडर 40 बचा है हम उससे हम डिवाइड करेंगे उसको, तो ये 40 50 को एक बार लगा, तो यहाँ पे 50 में 40 10 बार का माइनस करेंगे तो हम 10 आएगा यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पे जो भी फर्स्ट रिमाइंडर हमारे पास 40 बचा तो वो फिर से यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर से 10 40 को कितने बार लगेगा, 4 बार लगेगा, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। अब जो बड़ा नंबर होगा उससे हम छोटा नंबर डिवाइड करेंगे, बट लेट मी नो अगर हमारे पास रिमाइंडर जब 0 आएगा तब हम उसको छोड़ेंगे, तब तक हम उसको इस तरह से डिवाइड करते रहेंगे। किस तरह से, फिर से मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, पहले स्टेप वन बताता हूँ। स्टेप वन में क्या होगा, आपको अभी 50 = 1 क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें रिमाइंडर हमारे पहले वन स्टेप में क्या होगा, आपको 90 को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी बड़ा नंबर उसे छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर आ गया 40, 90 में 50 गए तो कितने बजे, 40 बज गए, एक बार 50 लगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 40 आए, फिर से हमने ये साम डिवाइजन वाला जो भी यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर हमने बना दी, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसमें जो भी गिव बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 बच गए तो फिर से हम लोग इसको डिवाइड इस तरह से कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे 40 है तो यहाँ 40 हमने यहाँ पर रख लिया। आफ्टर दैट इसका नंबर 10 40 को कितने बार, 4 बार लगता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो भी लास्ट में रिमाइंडर हमारे पास बचेगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा लास्ट में जो, ठीक है, ये वाला रिमाइंडर नहीं, 0 हो जाएगा ऑफकोर्स वो तो नहीं, बाकी जो, ठीक है, वो हम लिखेंगे, ठीक है, वो हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 जहाँ पे होता है रिमाइंडर पे जो कौन सा नंबर लगता है तो वो आ गया 10, 10 इसका नंबर आ गया, तो इसका आंसर आ गया ये। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में तो 40 आया, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन वी डिवाइड 50 बाय 40 एंड वी गेट 50, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग जब 50 करते हैं तो उसका आंसर 40 आती है, 40 आता है, उसके बाद हम रिमाइंडर हमारे पास 10 आता है, और लास्ट हम लोग क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर पाएंगे 10 के साथ, वो हम 4 बार लगाएंगे उसको और हमारे पास हम रिमाइंडर आएगा 0 इस तरह से, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, सही है। तो आगे हम मूव ऑन होते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बीच में अगर ज्वाइन करता है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा, सो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, वॉइस कीजिएगा, ठीक है, मैं दूसरे पेज पे होता हूँ दैट टाइम, ठीक है, दूसरे टैब पे होता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 30 50 80 का। अब देखो यहाँ पे 30 50 80 है, ठीक है, हम लोग फर्स्ट फाइंड एच सी एफ ऑफ एनी टू गिवन नंबर से 30 एंड 50, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो दो नंबर होंगे पहले के होंगे, ठीक है, तो उसका लेंगे, हम जो भी ले सकते हैं लेकिन हम ये ले रहे हैं 30 50, और जो बड़ा नंबर होगा उससे हम छोटा नंबर डिवाइड करेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 50 हमने अंदर लिख लिया, 30 को हमने डिवाइड कर लिया, एक बार लगा 20 बचा यहाँ पे, और 20 फिर से इस 30 को हम लाए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया 20 के साथ, और ये 20 एक बार लगा, फिर यहाँ पे 10 बच गए, फिर ये 20 हमने लाया यहाँ पे रख लिया, और ये जो 10 20 को लगा दो बार, तो यहाँ पे 0 उसका आ गया रिमाइंडर। जब 0 आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पर इनका आंसर आ गया 10, ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख लिया। हाइस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे तो 10 आ गया, ठीक है, लेकिन अभी 80 बच रहा है हमारे पास, तीन नंबर 80 के हम लोग सॉल्व करेंगे, कहाँ पे गए, यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 10 एंड देन रिमेनिंग नंबर 80, ठीक है, बाई डिवीजन मेथड डिवाइड, ठीक है। फिर हम लोग जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे उससे। हमारे पास क्या आया था, 10 आया था, तो हम डिवाइड कर देंगे 80 को 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, 8 बार लगा 80 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो यहाँ पे भी देखो 10 आ गया, यहाँ पे भी इसका रिमाइंडर 10 आ गया, तो बेसिकली इसका जो रिमाइंडर आएगा
वो 10 आएगा, और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसका आएगा वो 10 आएगा इस तरह से, ठीक है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर के थ्रू भी करें तो भी उसका 10 नंबर आएगा, ठीक है। जो भी आपको मेथड सही लगे वो आप कर सकते हो, तो इस तरह से आप इस नंबर का भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी एक्सरसाइज भी यहाँ पे गिवन है, तो मेक श्योर इस एक्सरसाइज को सब में मतलब कितने हैं 12 हैं, तो एटलीस्ट आप इसमें 5 लाजमी करके मुझे होमवर्क में भेजिएगा, ठीक है। जो भी मतलब सब के ए के बी सेक्शन के 5 5 के करके मुझे आप लाजमी भेजिएगा, ठीक है, एज ए होमवर्क आपका ये है। आफ्टर दैट वी मूव ऑन करते हैं हम लोग एलसीएम की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, लेट मी नो। ओके सही है। आफ्टर दैट हम मूव ऑन, आप लोग आप तीनों प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए आई गेस, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, आई थिंक नूर नहीं है, बाकी आदेश एंड प्रार्थना इन दोनों प्री इंजीनियरिंग के, तो उनको पता होगा, पहले से पता होगा इनको ना। तो हम जल्दी से मूव ऑन होते हैं आगे। ये भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में अगर हम बात करें, अब इसमें हमने देखना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक है, वो हमें देखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, देर आर टू मेथड सेम, इसका भी प्राइम फैक्टर मेथड और डिवाइजन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी स्टेप्स हैं, ठीक है, चार स्टेप्स है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बाकी हम मूव ऑन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसका 32 एंड 40 नंबर है, इसको हम सेम तरीके से रिवाइज करेंगे 32 को जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। 32 को पहले लीस्ट नंबर कौन सा, इसको डिवाइड होता है 32 को 2 होता है 16 बार, फिर से 2 16 को 8 बार होता है, फिर 2 8 को 4 बार, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, इस तरह 40 को हम डिवाइड करेंगे, इस तरह से हमारे ये फैक्टर निकलेंगे। तो हम लोग इसको यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हम इसको जोड़ा बना देंगे या पेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2 ये हो गया 2 2 2 2, हम इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर हम तीनों 2 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग मल्टीप्लाई हमने लिख लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग भी बच रहा है 2 एंड 2 एंड 5, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों, फिर ये इनका 8 आंसर आया, इसका 20 आंसर आया, इस दोनों को हम कंबाइन कर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, फिर क्या हमारे पास बचेगा 160। तो हमारा एलसीएम जो कॉमन लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है हमारे पास निकल जाएगा, वो हमारे पास जाएगा 160, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है 160, कैसे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें फिर से मैं रिपीट करता हूँ कैसे करने, हमें पहले हम लोग जैसे पहले हम लोग इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं उस तरह से हम निकालेंगे इसमें, ठीक है, फिर हम जो भी आप पहले जोड़ा बनाते थे पेयर बना, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है, वो जैसे हमने इसका आंसर आया 8। उसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग की जो पहले उसमें हम लोग क्या करते थे हाई कॉमन फैक्टर में हम क्या करते थे उसको छोड़ देते, लेकिन इसको छोड़ना नहीं, इसमें उनको भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 8 आएगा इसका 20, उस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे सर वो हमें बताइएगा। अब ये 32 एंड 40 है उसको ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल वन जो 160 आंसर है वो इनको मल्टीपल है इनका, 32 एंड 40 का जो लीस्ट कॉमन ये इनका मल्टीपल नंबर है, समझ रहे हो, इस तरह से ये है। तो ये क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, लेट मी नो, यहाँ तक ये क्लियर है, चैलेंज सही है। आदेश कटेरिया, आदेश क्या समझ में नहीं आ रहा, लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अच्छा आदेश आप मेडिकल के स्टूडेंट, अच्छा सही, अच्छा डिफरेंस बहुत ही इजी है ना, जो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे हम लोग उसमें क्या करते थे, हम लोग कॉमन जो फैक्टर होता था वो हम निकाल देते उसमें, ठीक है। फैक्टर यहाँ पे देखो, फैक्टर वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अभी तो मैंने मेंशन किया था ना कि उसमें हम लोग क्या करते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते, सिर्फ ये जो हम लोग जोड़ा बनाते थे ना उसको ही मल्टीप्लाई करते थे 8 से, जैसे आंसर है वो उसका आंसर आ जाता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बाकी रिमेनिंग जो वैल्यू बचती थी वो हम नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग वो लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 160 आंसर आता है, समझ रहे हो।
वहाँ पे जैसे हम लोग ये कहते थे सिर्फ ये जोड़ा यही देखो यहाँ पे दो इसका भी दो इसका भी दो आ गया, तो उसको हम क्या कहते थे लिखते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे लाइक यहाँ पे हमने ये इस तरह बस ये यहाँ तक वो आइस का कंस्ट्रक्टर करते आगे ये नहीं करते ये आगे स्टेप यहाँ पे ये सिर्फ ये ऐड हुआ है ठीक है। वो क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ठीक है, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम ठीक है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल वर्ड्स से पता चल रहा है ठीक है, वो लीस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कोई नंबर जिसको वो लीस्ट कॉमन फैक्टर था सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ तक समझ में आ गया ठीक है और चलें ठीक है, बाकी हम मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये आप उसको सही से फिर से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर से मैं इसका और एग्जांपल कर लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास चार नंबर है 18, 24, 36, 60 ठीक है, इन सब का हमने कॉमन फैक्टर किया ठीक है, ये जैसे आप सब पहले मैंने बताया कैसे किया जाता है तो यहाँ पे हमने सब वो लिख लिया ठीक है। पर इन देखो चारों में जो दो आ रहा है ठीक है, इन चारों में 3-3 आ रहा है, बाकी देखो यहाँ पे दो दो इसको हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर होंगे उतने हम लोग उस हिसाब से जोड़ लें, अगर यहाँ तीन नंबर होंगे तो हम तीन नंबर से हिसाब से अगर तीनों में दो दो आ तो हम तो उसको उठाएंगे पिकअप करेंगे, यहाँ पे चार नंबर है तो चार अगर दो हैं चार में तो उसको हम पिकअप करते हैं ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये हमने पिकअप कर लिया ठीक है, टू एंड थ्री इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हमने लिख लिया, टू एंड थ्री होता है सिक्स, हमारे पास आंसर आ गया सिक्स आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जो बाकी बचे हैं रिमेनिंग, लेकिन रिमेनिंग बचे हैं लेकिन जोड़े को हम लेंगे ठीक है, यहाँ पे दो दो है तो इसको हम लोग एक जोड़ा बना लेंगे, फिर यहाँ पे ये दो दो है इसको जोड़े को हम बना लेंगे ठीक है, हम जोड़े जोड़े को मतलब पिकअप कर लेंगे ठीक है, बाकी जो कि 3 और 5 बचे हैं इसको भी हम उठाएंगे ठीक है, मतलब नंबर को उठाएंगे ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2, 3 इसका उठा लिया, ये 2 आ गया, ये हमारे पास ये पूरे 4, ये 2 आ गया हमारे एक बार हमने लिख लिया, ये 4 बार 3 इसको भी हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ये एक पेयर आ गया उसको हमने यहाँ पे लिख लिया ठीक है, एक ही दो लिखा, फिर यहाँ पे 3 ठीक है आ गया हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ये 3 लिख लिया ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे 5 लिख लिया हमने, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे तो ये हो गया, फिर यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है ठीक है, तो इसको हमने फिर से जोड़ा एक पेयर बना लिया इन दोनों का इस तरह से करके, तो यहाँ पे हमने एक बार 2 लिख लिया ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, ये 2, 3 क्या हो गया 6 हो गया, और ये क्या हो गया इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 60 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 360 हो गया। अब 360 हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर ये है कि ऐसा नंबर ठीक है जो कि मल्टीपल हो इन सब का ठीक है। ये देखो अगर 360 18 में अगर करेंगे सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, 24 अगर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर लग रहा है ठीक है, तो वो 360 अगर होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, 360 का ऐसा करेंगे 60 का भी ऐसा करेंगे तो 360 हमारे पास वो होगा लीस्ट होगा कॉमन मल्टीपल नंबर होगा ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक बात क्लियर है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। ठीक है यहाँ तक सबको समझ में आ गया आदेश सही है, प्रार्थना तो ऑफकोर्स प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट या तो इनका कॉन्सेप्ट होगा ठीक है। तो अच्छा जी तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबका सही है, तो बाकी जो असाइन यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं ठीक है, इसको आपको सबको सॉल्व करना है। अच्छा आप डिवीजन मेथड करते हैं सॉरी, अच्छा डिवीजन मेथड में क्या होता है ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमेशा ठीक है। ये देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 16 एंड 20, 16 और 20 आंसर है, तो उसका हम डिवीजन कैसे करते हैं, इसमें यहाँ पे दोनों लिखने होते हैं, बीच में कॉमा देके हम दोनों लिखेंगे, फिर देखिए कि दोनों को हम डिवाइड करेंगे दो से, पहले मतलब लीस्ट नंबर हम सेलेक्ट करेंगे दो, 16 को 8 बार लगा दो एंड 20 को 10 बार, फिर हम 2 फिर से करेंगे, इनको कितने 4 बार लगा इसको 5 बार, फिर से हम 2 करेंगे इसको 2 बार, इसको 5 को अगर नहीं लगा तो हम सेम टू सेम एज लिख लेंगे इसको ठीक है।
नहीं लग रहा तो सेम टू सेम लिख लेंगे, फिर टू देंगे इसको ये वन आ गया टू, इसको फिर से हम सेम टू सेम लिख लेंगे, फिर हम लोग फाइव देंगे तो ये फाइव एक बाला का ठीक है, और ये यहाँ पे वन वन हो गया ठीक है जी। फिर ये हमारे फैक्टर निकल गए ठीक है सबके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया फैक्टर, सबको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 80 हमारे पास आंसर आ गया है ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन के थ्रू करते हैं ठीक है। अब ये उन्होंने स्टेप पूरे यहाँ पे बता दिए कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर तीन नंबर हमारे पास आते हैं तो ये दो इसको यहाँ पे 12 को 6 बार लगा, 36 को 18 बार और 60 को 30 बार, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे ठीक है। टू फिर थ्री 60 को 3 बार लगा, फिर टू इसको 18 को 9 बार, 30 को 15 बार। अब थ्री हम करते टू नहीं लगा रहा तीनों को, थ्री हम पाएंगे थ्री, थ्री को वन बार लगा, थ्री नाइन को 3 बार, थ्री 15 को 5 बार, फिर से थ्री इनको नहीं लग रहा है, उसको थ्री को एक बार लग रहा है तो हमने लिख लिया ये वन टू वन सेम आ गया, और फाइव को नहीं लग रहा तो सेम है हमने लिख लिया, फिर फाइव यहाँ पे फाइव को वन बार लिखा, फिर हम इसको फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 180 आंसर आ गया ठीक है। इस तरह से आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो बाकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज सबको आपको सॉल्व करनी है ठीक है, सब एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, मतलब एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन आप कर लें, अगर 10 आ रहे हैं तो उसके हाफ तो क्वेश्चन लाजमी से कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है। बस मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है। बाकी ये वर्ड प्रॉब्लम तो लाजमी से आप करें ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ये एंड फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 6 2 एंड 12 ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ईजी है, बस वहाँ पे नंबर डायरेक्ट गिवन थे, यहाँ पे इस तरह से है ठीक है, बस 6 18 एंड 12 का करना है ठीक है। क्या करना है, लीस्ट कॉमन करना है हमें ठीक है। लीस्ट कॉमन जैसे हमने या आप मेथड कोई भी यूज़ करें ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, आप करो प्राइम फैक्टर मेथड यूज करो या डिवीजन मेथड यूज करो आप पे ठीक है, जो भी आपको सही लगे। तो इस तरह से आप इनके वर्ड प्रॉब्लम लाजमी, वर्ड प्रॉब्लम लाजमी से सॉल्व कीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पे इनके आंसर भी गिवेन है सबके ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना सो यू कैन आस्क, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, दोनों क्लियर हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ठीक है। अभी स्टूडेंट बहुत सारे ज्वाइन नहीं किया है, जैसे कि आपको मैंने बताया था आप लोगों के सरप्राइज है, तो सब ज्वाइन करते तो बहुत ही अच्छा रहता, उन सबको मैं बता पाता क्या सरप्राइज है। आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, सब कह रहे थे हाँ हम सब ज्वाइन करेंगे, पता नहीं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ठीक है। होमवर्क देखो स्टेप लिखना लाजमी नहीं है ठीक है, स्टेप लिखना लाजमी नहीं है, बस वो आपके कॉन्सेप्ट आंसर नीड है। देखो हमें तो एमसीक्यूज का चाहिए, वहाँ पे हमें आंसर रिकॉर्ड होता है, बस आंसर आपका आना चाहिए ठीक है। अच्छा चलें मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, बता